करो तो बीच में क्यों? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सरकार और राज्य सरकार की जिस प्रकार से मंशा रही है कि लॉकडाउन में किसी भी प्रकार से कोई वंचित ना रहे, किसी भी प्रकार से कोई भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से आपने देखा हो तो BPL कार्ड के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से जिस प्रकार से राशन की सुविधा की गई है, इसी प्रकार से APL कार्डधारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसके लिए एक योजना आई थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो APL कार्डधारी हैं, ऐसे लोगों के खातों में नगद 2500 रुपये की राशि को ट्रांसफ़र किया जाए। तो जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए थे हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा अक्टूबर 2017 के अंदर, तो स्ट्रीट वेंडर्स को आपको सबको ध्यान होगा कि वेंडिंग नो वेंडिंग जोन का जो प्रक्रिया चली थी उसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को जो रजिस्ट्रेशन का काम किया था, तो उस समय 1764 लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नगर निगम के अंदर अक्टूबर 2017 में किया गया था, जिसमें से 213 लोग BPL कार्डधारी हैं तो उनको सुविधा प्राप्त हो रही है BPL की। 111 ऐसे हैं जो पेंशनधारी हैं या जिनको मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को हटाते हुए शेष बचते हैं 1440 लोग हैं जो APL कार्डधारी हैं। ऐसे लोगों के खातों में 2500 रुपये की राशि का ट्रांसफ़र करने का काम प्रारंभ किया गया, जिसमें से 969 लोगों के बैंक खाते हमारे पास थे। इन बैंक खातों के अंदर 2500 रुपये की राशि के हिसाब से इनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से 471 लोग ऐसे थे जिनके कि बैंक खाते नहीं थे। तब फिर सरकार के द्वारा एक मार्गदर्शन निकला, वो 25 मार्च 2020 को निकला कि पेंशन कार्ड होना, बैंक में खाते होना लाजमी है, ज़रूरी है, किंतु ऐसी कोविड की इस परिस्थितियों को देखते हुए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया श्रम विभाग के द्वारा, और ऐसे लोगों के को कैश की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो इसके लिए हमने इस आदेश के तहत 471 लोगों का वितरण का काम ये शुरू आज करने जा रहे हैं। इसके अंदर 2500 रुपये उनको नगद दिए जाएंगे। ऐसे हमने 471 लोगों की सूची बना ली है। वो सूची वो है जो अक्टूबर में हमारे यहाँ पे सर्वे जो हुआ था, इसका फॉर्म है, इस फॉर्म में उसकी फ़ोटो है, इसमें उसका राशन कार्ड था, इसमें उसका आधार कार्ड था, इसमें उसकी एज थी। ऐसी चीज़ों का मिलान करते हुए हमने ऐसे लोगों की यहाँ पे टीम बनाई है, और ऐसी टीम बनाकर नगर निगम के माध्यम से उन लोगों को सूचना देने का काम शुरू किया। ऐसे चूँकि ये कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर नगर निगम आता है और अभी सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी है, इसलिए 471 लोगों को एक साथ ना बुला के 50-50 लोगों के बैच को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो आज प्रथम 50 लोगों का यहाँ वितरण का काम 2500 रुपये नगद राशि का किया जाएगा। इस प्रकार से 1440 लोग जो पात्र बनते हैं, उनके 2500 रुपये की राशि जो होती है, कुल रकम होती है उसकी 36 लाख रुपये। ऐसे 36 लाख रुपये की राशि का वितरण का काम यहाँ पे नगर निगम के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, हो चुका। इसी प्रकार से सरकार के जो निर्देश आए थे कि जो किसी भी योजना का लाभार्थी नहीं है और ऐसे निराश्रित लोग हैं जो न BPL में आ रहे हैं, न किसी खाद्य सुरक्षा में आ रहे हैं, न किसी स्ट्रीट वेंडर की योजना में आ रहे हैं, न कि BDO के उद्योग में आ रहे हैं, ऐसे लोगों का भी सर्वे करवाया जाए। तो यहाँ से नगर निगम के माध्यम से, BLO के माध्यम से उनको बताते हुए गाइडलाइन के माध्यम से एक सर्वे करवाया गया। ऐसे सर्वे में 1402 लोग और चिन्हित हुए हैं। ऐसे 1402 लोगों की नगर निगम के माध्यम से यहाँ पर जिलाधीश महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है कि ऐसे 1402 लोग और पात्र बनते हैं, इनके लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जब ये 1402 लोगों की और अनुमति आ जाएगी तो उनको भी 2500 रुपये के हिसाब से इनकी राशि उनको वितरण की जाएगी। फिलहाल तो अभी जितनी राशि हमारे पास स्वीकृत हुई है 36 लाख रुपये, उनको बैंक के माध्यम से और कैश के माध्यम से वितरण का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है।